नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं धर्मेंद्र मेघवाल हमारे इस एजुकेशनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से डेली आंगनवाड़ी व शिक्षा विभाग से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब की रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व अन्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की न्यूज है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो थंबनेल में आंगनवाड़ी खुशखबरी आंगनवाड़ी बिग गुड न्यूज टुडे, यानी कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, बाप रे बाप इतना तोहफा। यानी कि दोस्तों आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अब सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष कर दी गई है और पेंशन सुविधा भी लागू करने की गुंजाइश हो रही है। और इसके अलावा भी रिटायरमेंट के वक्त उनको वर्कर को 1 लाख रुपये और हेल्पर को 50,000 रुपये देने की भी बात चल रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पंजाब की रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व अन्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और दोस्तों ये न्यूज हमारे इस पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर पंजाब से जुड़ी आंगनवाड़ी की खबर दीजिए, तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर मिल गई है। यानी कि पंजाब की रहने वाली कर्मचारियों के लिए ये पंजाब से जुड़ी आंगनवाड़ी की खबर आ गई है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो हिंदी न्यूज, पंजाब होशियारपुर आंगनवाड़ी वर्कर 9 को जेल भरो आंदोलन में होंगी शामिल। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन सीटू ब्लॉक तलवाड़ा की एक मीटिंग अनिता रानी वदर कौर की अध्यक्षता में हुई है। इस मौके पर यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरबख्श कौर ने कहा है कि एक वर्ष से अधिक समय से चलाए जा रहे संघर्ष के बावजूद उनकी मांगे, जिनमें प्रमुख मांगे रखी गई हैं मान भत्ते में बढ़ोतरी, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में भेजना, सेवानिवृत्त के मौके पर वर्कर को 1 लाख रुपए और हेल्पर को 50,000 रुपए देना, सेवानिवृत्त की आयु 70 वर्ष करना और सेवानिवृत्त के समय पेंशन इत्यादि देना भी शामिल है। इन सभी को मंजूरी तो दे दी गई है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि वर्कर की बकाया मांगे जिनमें ICDS को रेगुलर करना, वर्कर को दर्जा 3 व हेल्पर को दर्जा 4 का दर्जा दिलवाना इत्यादि को मनवाने के लिए कड़ा संघर्ष किया जा रहा है, जिसके चलते 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर शामिल होगी। यानी कि दोस्तों ऊपर दे रखा है जैसे कि ये प्रमुख वर्कर को 1 लाख रुपये और हेल्पर को 50,000 रुपये, सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष करना आदि अन्य मांगे हैं। ये मांगे पूरी नहीं हो सकी है इसलिए ये आंगनवाड़ी यूनियन संघ द्वारा 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन के माध्यम से मांगे वापस सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। इस अवसर पर अरुणा रानी, बबीता रानी, सपना रानी, सरोज वाला, उषा रानी, ममता, राजकुमारी, संदेश कुमारी आदि अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। दोस्तों इस वीडियो में पंजाब की रहने वाली आंगनवाड़ी वर्करों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है कि उनकी मांगे जल्द ही पूरी होने की संभावना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने आंगनवाड़ी कर्मचारियों व अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से और चैनल के माध्यम से उन्हें भी आंगनवाड़ी से जुड़ी व शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें का अपडेट मिल सके। तो दोस्तों अंत में आपसे एक ही रिक्वेस्ट, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अंत में आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के कमेंट में अपने शहर और सिटी का नाम लिख दीजिए, जिससे कि आपको उसी से जुड़ी आंगनवाड़ी की खबर मिलती रहेंगी। और अंत में दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला। भगवान करिए आपका दिन बहुत ही बहुत शुभ हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसी तरह आंगनवाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।